हेलो एवरीवन, ये देखिए आज मैंने बनाया है पानी फल से चटपटा नाश्ता। उसका रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ फ्रेंड्स। कैसे बना रही हूँ मैं तो आइए दिखाती हूँ। मैं सारिका, सारिका ब्लॉग्स में आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आइए मैं दिखा रही हूँ आज मैं शाम के नाश्ते में क्या बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है पानी फल। आप लोग इसको क्या कहते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। हम लोग बिहार में इसको पानी फल कहते हैं और फिर नहीं तो सिंघाड़ा भी बोलते हैं इसको, जो कि अभी के सीजन में काफ़ी मिलता है मार्केट में। तो इसे मैं लाई हूँ और इसका शाम में मैं कुछ नाश्ता में बनाने जा रही हूँ। दिखाती हूँ कैसे बना रही हूँ और क्या बनाने जा रही हूँ। तो पहले ये इसको मैं छील लेती हूँ, वो छीलने के बाद दिखाती हूँ। ये मेरा 500 ग्राम पानी फल है, इसको मैं पहले छील लेती हूँ। दिखा रही हूँ इस तरह से इसको अंदर से छीला जाता है। छीला हुआ भी मार्केट में मिलता है फ्रेंड्स, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था, रेसिपी बनाना था, तो मैं इस तरह से बिना छीला हुआ हिलाई। ये देखिए इस तरह से हल्का सा चाकू से अगर आप इसको छिलका को इस तरह से एक तरह साइड से कर देते हैं तो ये बहुत ईजिली छिला जाता है। ये देखिए इस तरह से। तो मैं सबको छील लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। और अभी मौसम इसका बहुत अच्छा, मतलब मिलने का मौसम है फ्रेंड्स। जैसे अभी हम लोग का बिहार में छठ पर्व आने वाला है, तो छठ वगैरह में ये सब जरूर ये चढ़ाया जाता है, पूजा किया जाता है इससे। और आप लोग तो जानते ही होंगे, जैसे ये जो होता है सिंघाड़े का आटा का हलवा भी बनता है, इसको सुखा कर उसके बाद उसको पीस कर और उसका हलवा बनाया जाता है, ये वही है। तो मैं अभी कच्चा लाई हूँ, उसी का शाम में कुछ बनाने जा रही हूँ जिसका रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ। पहले मैं इसको छील लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से बहुत ही बहुत आसान से इस तरह से छिला जाएगा। मैंने सारे पानी फल को छील लिया है और उसके बाद उसको एक बार धो ली हूँ मैं। अब मैं दिखाती हूँ, इधर मैंने कढ़ाही चढ़ा दिया है, कढ़ाही चढ़ा दिया है, कढ़ाही मेरा गर्म हो जाता है तो मैं उसमें डालूँगी घी। इसको मैं घी में भून रही हूँ। मेरा कढ़ाही हो गया है गर्म, अब मैं इसमें डाल रही हूँ घी। इसे मैं घी में भूनने वाली हूँ। ये देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें 2 से 3 चम्मच घी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है घी। और जब घी गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें पानी फल डालूंगी। देखिए फ्रेंड्स, घी मेरा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें जो पानी फल हमने धो के रखा था उसको इस तरह से डाल दे रही हूँ। 5 से 6 मिनट में मेरा ये भुना जाएगा। बस इसको हल्का सा ब्राउन जैसा करना है, पूरे देर नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन करना है। तो इस तरह से भून ले रही हूँ। अभी मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ फ्रेंड्स, दिखाती हूँ थोड़ी देर इसको भून ले रही हूँ। इसे मैं 2-3 बार चला ले रही हूँ। उसके बाद इसको कुछ देर के लिए ढक के रख दे रही हूँ और गैस का फ्लेम मीडियम रख रही हूँ फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पे नहीं करना है इसको। दिखाती हूँ मैं जब भी बनता है। तो फ्रेंड्स मेरा ये पानी फल अब भुना गया है, हल्का ब्राउन हो गया। बीच बीच में मैंने 1-2 बार चला दिया था फ्रेंड्स, अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। ये मेरा बनकर तैयार हो गया है और इसमें हमने अभी नमक नहीं डाला है। अब मैं इसको ऊपर से इसमें नमक डालूंगी। तो पहले मैं इसे प्लेट में निकाल ले रही हूँ, फिर दिखाती हूँ क्या क्या डाल रही हूँ। दिखा रही हूँ मैं इसमें क्या मिलाती हूँ। ये है मेरा सादा नमक, इसमें मैंने अभी मिलाया है सादा नमक, थोड़ा सा काला नमक और ये थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर। गोल मिर्च पाउडर थोड़ा अच्छे से दीजिएगा फ्रेंड्स, चटपटा अच्छा लगेगा। और मैं मिर्च पाउडर नहीं दे रही हूँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप लाल मिर्च पाउडर दे सकते हैं। और अब मैं मिला रही हूँ चाट मसाला। ये देखिए इस तरह से हमने ऊपर से दे दिया और आपको इसको सबको इस तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। आप इसमें चिली फ्लेक्स या फिर मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। इस तरह से हो गया मेरा ये बनकर तैयार पानी फल का। इस तरह से भूनकर, घी में भूनकर शाम का नाश्ता में इसको बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स और बहुत हेल्दी भी होता है पानी फल। इसका तो जैसे सुखा के हलवा वगैरह बनता है, किसी भी पर्व में किसी में इसको खाया जाता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने जो बनाया है, एक बार आप भी इस तरह से बना के देखिए फ्रेंड्स और बताइए कैसा बना मेरा और आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को पे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।